भगवान हमारे दिल्ली के लोगों को कोरोना से बचा के रखे, सभी दिल्ली वासियों को कोरोना से बचा के रखे। लेकिन एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हम लोग अगर कोरोना की थर्ड वेव आती है तो उसकी तैयारी के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। अभी जब सेकंड वेव आई थी अप्रैल के महीने में, तो सबसे ज़्यादा कमी हॉस्पिटल बेड्स की हुई थी, सबसे ज़्यादा कमी ऑक्सीजन की हुई थी, सबसे ज़्यादा कमी आईसीयू बेड्स की हुई थी। उसके मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार सात नए हॉस्पिटल विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 6,800 बेड्स, 6,800 बेड्स बनाने जा रही है। और ये सात के सात हॉस्पिटल्स 6 महीने के अंदर पूरे कर दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ शायद पूरे विश्व में ये रिकॉर्ड होगा, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड होगा कि 6 महीने के अंदर ये 7 हॉस्पिटल्स बन के तैयार हो जाएंगे 6,800 बेड्स के। आज हम लोगों ने शालीमार बाग के 1,430 बेड्स के हॉस्पिटल का हम लोगों ने एक तरह से नींव रखी है। आज से 6 महीने के अंदर ये 1,430 बेड्स का हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगा। एक खूबी तो ये है कि 6 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। मैं PWD को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया है और उन्हें पूरा यकीन है। अभी मैंने PWD के इंजीनियर्स के साथ जब बातचीत की, उन्हें पूरा यकीन है कि वो 6 महीने के अंदर इसे पूरा कर लेंगे। इस बेड में, इस हॉस्पिटल का हर बेड ICU बेड होगा। 1,430 के 1,430 बेड्स ICU बेड्स होंगे। इसका मतलब कि हर बेड पे ऑक्सीजन होगी, हर बेड पे वो जो मॉनिटर्स होते हैं ICU के अंदर वो सारे होंगे। अगर उसे नॉर्मल बेड की तरह इस्तेमाल करना चाहें नॉर्मल बेड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ICU बेड की तरह इस्तेमाल करना चाहें तो 1,430 के 1,430 बेड्स पे ICU का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद होगा। एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि पहले हमारी सरकार बनने के पहले जब अस्पताल बना करते थे तो नॉर्मल बेड एक सरकारी हॉस्पिटल में, मान लो 100 बेड का सरकारी हॉस्पिटल बनना है तो उसका जो लागत आती थी 1 करोड़ रुपए पर बेड के हिसाब से लागत आती थी। 2015 के पहले, हमारी सरकार बनने के पहले नॉर्मल बेड की लागत, ये जो हॉस्पिटल बन रहा है इसकी टोटल लागत 275 करोड़ रुपए है। 1,430 बेड्स, 20 लाख रुपए पर बेड की लागत आ रही है और वो भी ICU बेड की। हमारी सरकार के पहले 1 करोड़ रुपए पर बेड नॉर्मल बेड की लागत आती थी, हम लोग 20 लाख रुपए पर ICU बेड की लागत के ऊपर इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें सारी फैसिलिटीज होंगी, सेंट्रली एयर कंडीशनड होगा, सारी ICU की फैसिलिटीज होंगी। वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि आप लोगों ने एक ईमानदार सरकार को चुना था। अब दिल्ली के अंदर जो फैसिलिटीज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं, पूरे देश में सबसे अच्छी फैसिलिटीज आज सरकारी महकमे में, सरकारी क्षेत्र में दिल्ली में है। इसको अब हमें इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे ले जाना है। और आप देखेंगे कि अब हम जो करने जा रहे हैं अगले साल 1.5 साल के अंदर, जो पूरा हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रहे हैं, एक एक दिल्ली के नागरिक का पूरा डेटा, उसकी हेल्थ का डेटा, हर नागरिक का, गरीब हो अमीर हो, उसका डेटा कंप्यूटर पे होगा हमारे साथ। उसे कोई पर्ची वर्ची लेके नहीं जानी, किसी भी अस्पताल में जाएगा उसकी पुरानी जितनी एक्सरे रिपोर्ट है बचपन से लेके आज तक की, उसकी जितनी MRI आज तक उसने कराई, सब कुछ हमारे पास उसका डेटा कंप्यूटर के ऊपर होगा। अस्पताल में लंबी लंबी लाइनें लगनी बंद हो जाएंगी। आप कंप्यूटर के ऊपर ऐप पे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो, डॉक्टर अपॉइंटमेंट देगा, उतने बजे अस्पताल पहुंच जाओ।
कोई रजिस्ट्रेशन की खिड़की पे जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सीधे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपकी इंतजार करता मिलेगा, कोई लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। और सबका, हर दिल्ली के नागरिक का हेल्थ कार्ड बनाएंगे, और जिसके हाथ में हेल्थ कार्ड होगा उसका पूरा इलाज फ्री, सब कुछ फ्री, उसको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसके लिए सभी अस्पतालों के अंदर फ्री होगा।